ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 22। पहला क्वेश्चन है, 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, मिल गए 4 एम्पियर, फिर जंक्शन में डिवाइड होगा। अगर ये 1 एम्पियर है 4 में से तो बचा कितना, 3 एम्पियर। अगर ये 3 एम्पियर है, 3 में से 1.3 इधर चला गया तो बचा कितना, 3 में से 1.3 माइनस। स्टेप क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन में, अगर यहां से 2 एम्पियर करंट है, यहां से 3 एम्पियर करंट है, तो मिलके 5 एम्पियर, ये क्लियर है। 5 एम्पियर करंट कुछ ऊपर कुछ नीचे जाना चाहिए, पर समझ में नहीं आ रहा कि कितना ऊपर नीचे जाएगा। 3 और 2 कैसे लिखा वो डिसाइड करते हैं। मुझे पता है कि इस जंक्शन के बाद 1 और 2 है, वो आया कहां से, यहां से आया होगा। इसका मतलब अगर ये 1 जा रहा है, ये 2 जा रहा है, तो यहां से कितना आया होगा, 3। और अगर ये 3 है तो 5 में से 3 गया, नीचे कितना गया होगा, 2। तो अगर ये 2 एम्पियर है, यहां से 4 है, दोनों मिल गए, मिलके 6 एम्पियर। अगर ये 6 है, इधर से 2 है, तो मिलके कितना, 8 एम्पियर। क्या स्टेप क्लियर है? वही लगाया, करंट कमिंग इज इक्वल टू करंट गोइंग। आपको हर बैट, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, एक्सटर्नल है नहीं। ईएमएफ ईएन 1.5 आरएन है, जैसे 1 पुट करेंगे तो 1.5 आर1 है, यहां 2 पुट करेंगे 1.5 आर2 है, एंड सो ऑन। तो ईएमएफ करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ई1 की जगह क्या पुट करेंगे, 1.5 आर1, 1.5 आर2, 1.5 आरएन, 1.5 कॉमन आ गया, पूरे का पूरा कट गया आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है? E1, E2, E3 की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो 1.5 R1, 1.5 R2, 1.5 R3 एंड सो ऑन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, आपके पास 12 सेल्स हैं, ठीक है, 12 सेल्स हैं, क्वेश्चन नहीं तो कहानी है। आपके पास 12 सेल्स हैं और ये सब इक्वल ईएमएफ के हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो मुझे समझ में आता है, 12 सेल्स है तो 12 ही आंसर आएगा। लेकिन वो ये कह रहा है विद सम सेल रॉन्गली कनेक्टेड, यानी कि कुछ तो सीधे कनेक्टेड है और कुछ उल्टे कनेक्टेड है। अब उल्टी ईएमएफ में क्या होता है, हमें ईएमएफ ऐड करने की बजाय क्या करनी होती है, माइनस। अब मुझे ये तो पता नहीं कि कितने रॉन्गली कनेक्टेड है, पर कुछ तो अंदर रॉन्ग कनेक्टेड है। आगे, तो द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 2 सेल्स विच आर इन सीरीज। तो ये पूरा अरेंजमेंट 2 और सेल्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि इस बॉक्स 12 सेल्स की बैटरी के साथ 2 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। 3 एम्पियर का करंट देखा गया व्हेन सेल्स एंड बैटरी एड ईच अदर, और 2 एम्पियर का करंट देखा गया When सेल एंड बैटरी अपोज ईच अदर। तो कह रहे हैं बताओ उस डिब्बे में 12 में से कितने सेल रॉन्गली कनेक्टेड है। मैं इस कहानी को ना डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं, आपको एक मिनट में समझ आएगा। मुझे एक चीज का आंसर दो कि चलो मेरे पास 12 सेल्स हैं, ये लो मेरे पास इस बॉक्स में 12 सेल्स हैं, 12 सेल्स हैं। मुझे इस चीज का आंसर दो, अगर ये बिल्कुल सीधे कनेक्टेड होते 12 के 12 तो टोटल ईएमएफ क्या होती, 12 ही। पर मुझे तो पता नहीं इसमें कितने गलत कनेक्टेड, तो मान लो n सेल्स रॉन्ग कनेक्टेड है, तो कितने करेक्ट कनेक्टेड है, 12 माइनस n सही कनेक्टेड है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है?
जो रॉन्ग कनेक्टेड है इनकी ईएमएफ क्या है, एनी, क्योंकि रॉन्ग वाली तो मिल जाएगी ई प्लस ई एनी, और जो सही कनेक्टेड है उनकी ईएमएफ क्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ई से। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अगर ये सेल सारे के सारे सीधे कनेक्टेड होते तो इसकी ईएमएफ और इसकी ईएमएफ को ऐड करके देखो आंसर 12 ही आ रहा है, पर ये नहीं है कनेक्टेड सही। तो टोटल ईएमएफ, इसमें टोटल ईएमएफ की वैल्यू आएगी जो सही कनेक्टेड है, इनमें से रॉन्ग कनेक्टेड की ईएमएफ को क्या कर दें, माइनस। कोई डाउट इसमें? सही ईएमएफ में से रॉन्ग ईएमएफ को माइनस। कोई डाउट? तो नेट ईएमएफ आ जाएगी। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि ये सही है ये गलत है, गलत वालों को माइनस कर दिया, नेट ईएमएफ आ गई। इसको ओपन करें, चलो ओपन तो क्या ही करना, बट ठीक है ये आ गया। यहां तक क्लियर है? पहले देख लो, ठीक है? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है केस नंबर वन। वो ये कहता है कि 12 सेल्स इकट्ठे ले लो, ठीक, इसकी नेट ईएमएफ क्या है, 12 माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई, और इसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 12 आर, आर प्लस आर प्लस आर, 12 आर। ऐसे ही है, ये कनेक्टेड है दो फर्दर सेल्स के साथ, जब ये वाला सेल और ये वाले सेल्स और ये दोनों एड एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, मतलब कि ये बिल्कुल सीधे कनेक्टेड हैं, तो ये ई है, ये ई है, ये आर है और ये आर है। लेकिन जो केस नंबर टू है, केस नंबर टू में ये 12 सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ कितनी है, जिनकी ईएमएफ है 12 माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई, और ये कैसे कनेक्टेड हैं, उल्टे कनेक्टेड हैं, अपोज ईच अदर, ये दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को कुछ ऐसे। तो जब ये एड कर रहे हैं फायदा दे रहे हैं तो करंट 3 एम्पियर है, जब ये अपोज कर रहे हैं तो करंट 2 एम्पियर है, ठीक है? डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बोलो इसमें करंट क्या लिखूं, टोटल करंट क्या होता है, 3। टोटल ईएमएफ बोलो कितनी है, 12 माइनस एन ई माइनस एन ई, और ये फायदा दे रहे हैं तो प्लस 2 ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 12 और 14 आर। इक्वेशन में 1 क्लियर है? अच्छा, दूसरे केस में करंट कितना है, 2। टोटल ईएमएफ बोलो 12 माइनस एन ई माइनस एन ई, बोलो कितना, माइनस 2 ई, क्योंकि ये अपोज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 14 आर। सॉल्व कर लो, साइमल्टेनियसली आंसर आ जाएगा इनका। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ के बाद, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डीसी पांडे, मेंस, ई नीट, हर में एक एक बार आया हुआ है, कहीं मुझे लगता है कि मेरे टेस्ट में ना आ जाए कल। मतलब मुझे देखा नहीं मैंने टेस्ट, पर इतना फेमस है कि कहीं ना कहीं आ भी सकता है। तो देखो कैसे ध्यान से देख रहे हैं आप, तो देख ही लेते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन है, दो बैटरीज हैं E1 एंड E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों बैटरी की जगह एक बैटरी लगाऊं और उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूं, तो बोलो क्या आएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ, E1 R1 E2 R2 1 बाय R1 1 बाय R2, ये वैल्यू आएगी। वो कह रहा है कि ईएमएफ E2 बड़ी है E1 से, तो बताओ मेरी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो E1 E2 के बीच में आएगी या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 से भी छोटी होगी या फिर
इन दोनों के सम, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगी, तो सीरीज में होती है तो पैरेलल ही तो हो नहीं सकता, और या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर वन आर टू ये भी नहीं हो सकता, आर वन आर टू डिपेंडेंट तो है ही। तो इसका आंसर स्टैंडर्ड है ई इक्वलेंट जो है ई वन ई टू के बीच में होगी। तुम रैंडम वैल्यू ले लो कोई भी, तुम ई वन को मन में सोच लो 2 वोल्ट है, ई टू को मन में सोच लो 10 वोल्ट है, आर वन आर टू की वन ओम वन ओम वैल्यू ले लो, सॉल्व करके देख लो आंसर ई वन ई टू के बीच में आएगा, नहीं तो मेरी मेरी बात मान लो आंसर यही है, बस ये आंसर मार्क कर देना। ठीक समझ में आ रहा है? तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो ई वन ई टू के बीच में ही होगी, बातें खत्म है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो डालने का भी। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, बैटरी जिसमें 24 सेल्स हैं, ईच ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, इज टू बी कनेक्टेड इन ऑर्डर टू सेंड द मैक्सिमम करंट 12 ओम रेजिस्टर में, तो अरेंजमेंट क्या होगा? वही कितने सेल सीरीज में, कितने पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग का तो फॉर्मूला ही एक है, तो मिक्स ग्रुपिंग में n इंटू एम 24 है, n इंटू एम 24 है, कैपिटल R का ये फॉर्मूला है, कैपिटल R पता है, स्मॉल R पता है, n और m का रिलेशन आ गया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n और m कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? n और m आ जाएगा आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपको v वर्सेस i ग्राफ गिवन है, v और i ग्राफ की स्लोप क्या होती है? रेजिस्टेंस, v अपॉन i रेजिस्टेंस, पर आपको इसमें क्या निकालनी है? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस x अपॉन y है तो कंडक्टेंस y अपॉन x है, मार्क कर लेना y अपॉन x है। ठीक, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जब दो बैटरीज लगी हों और आपसे ये पूछा हो कि करंट क्या होगा, करंट की पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन के लिए ये बड़ी बैटरी है छोटी बैटरी है, एक उल्टी कनेक्टेड एक सीधी कनेक्टेड है, तो ये चाहती है इसके पॉजिटिव में से करंट लेफ्ट पे जाए, ये चाहती है कि इसके पॉजिटिव में से करंट राइट पे जाए, लेकिन फैसला कौन करेगा? बड़ी बैटरी, बड़ी बैटरी 10 वोल्ट की है तो राइट पे ही करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, और अगर ऐसे करंट जाएगा तो आंसर कहाँ जाएगा? आंसर आएगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक थ्रू ई, डायरेक्शन पता लग गई। और वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके हैं, या तो दो सेल्स आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, तो ई वन में से ई टू माइनस करके एक सिंगल बैटरी लगा लो, या फिर अगर कुछ नहीं करना तो किरचॉफ लॉ ही लगा लो, एक करंट घुमाओ किरचॉफ लॉ में, माइनस आई इंटू वन, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 10, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस 4, माइनस आई इंटू 2, माइनस आई इंटू 3 इक्वल टू 0, सीधा करंट आ जाएगा। आपकी मर्जी है, बैटरी सीरीज में लगानी है, एक बैटरी लगानी है तो भी ठीक है, अगर नहीं समझ में आता पूरा करंट घुमा के किरचॉफ लॉ लगा के सीधा आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाना है इसमें? सेम जो अगला क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ मत करो, दो बैटरीज हैं और सीधी कनेक्टेड हैं, देखो ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किरचॉफ लॉ रहने दो, एक बैटरी लगा लो, एक बैटरी में 2 + 2 = 4 वोल्ट है और सारे रेजिस्टेंसेज किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में, तो करंट क्या आएगा? 4 / टोटल रेजिस्टेंस आंसर आ जाएगा, किरचॉफ लॉ की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल हमने कर लिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहां से आंसर निकाल लेना।